हेलो दोस्तों, वी केयर फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं पायो प्लस टू टैबलेट का। दोस्तों, पायो प्लस टू टैबलेट जिसका एमआरपी आपको देखने को मिलता है 84 रुपये फॉर 15 टैबलेट के लिए आपको पे करना होता है। ये सिस्टोपिक कंपनी द्वारा बनाया गया एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसके रिजल्ट शानदार हैं। दोस्तों, इसका यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस को ठीक करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए। इसके अंदर जो भी कंटेंट डाले गए हैं वो है ग्लिमप्राइड 2 mg, पायोग्लिटाजोन 15 mg और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड 500 mg। दोस्तों, ये तीनों ही टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस को ठीक करने के लिए साल्ट हैं और मेटफॉर्मिन का तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है और शुरुआत में इसको प्लेन मेटफॉर्मिन से ही ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों, पायो प्लस टू टैबलेट बहुत ही बेहतरीन टैबलेट है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस को ठीक करने के लिए। जब हमारी डायबिटीज़, किसी पेशेंट को डायबिटीज़ होती है, डायबिटिक पेशेंट होता है, तो उसका जब ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता, जो कि एक्सरसाइज या डाइट से भी कंट्रोल नहीं होता, तो उसको ठीक करने के लिए टैबलेट का यूज़ किया जाता है, पायो प्लस टू दी जाती है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कहने के लिए कि जब आप किसी भी डायबिटिक, कोई भी डायबिटिक पेशेंट हैं और डायबिटीज़ से आप सफ़र कर रहे हैं, तब सिर्फ टैबलेट पर निर्भर ना रहें, अपने डाइट को भी फेरबदल कीजिए, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपकी डाइट है। उसमें सिंपल शुगर ना हो जो कि आपका एकदम से शुगर लेवल इंक्रीज ना करें, तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए और अच्छे फाइबर होने चाहिए जो कि आपका शुगर लेवल को बढ़ने ना दे। तो इस बात का खास ध्यान रखा जाता है और एक्सरसाइज को भी ज़रूर किया जाना चाहिए जिससे आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सके। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। किसी किसी केस में आपको एपेटाइट की कमी हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, भूख लगने की कमी हो सकती है। इसकी वजह से आपको कई बार कंफ्यूजन हो सकती है और बहुत सी एंजाइटी डिसऑर्डर भी इसकी वजह से आपको हो सकते हैं। तो ये कुछ रेयर साइड इफेक्ट हैं जो कि आपको हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह या हेडेक वगैरह आपको इस टैबलेट के बाद हो सकते हैं। लेकिन ये ही बहुत कॉमन, बहुत ही सीवियर और रेयर ये साइड इफेक्ट हैं जो कि हर पेशेंट को नहीं होते। डोजेस की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। शेड्यूल एच ड्रग है तो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के इसको लेना मना है। दोस्तों, इसको अल्कोहल के साथ ना लें। प्रेगनेंसी में अगर आप प्रेगनेंट हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान इस टैबलेट का यूज़ ना करें, एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी इस टैबलेट का यूज़ ना करें। तो पायो प्लस टू के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैंने कॉमन चीज़ें बता दी हैं, बाकी डॉक्टर से आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं इसको लेने से पहले कि अगर आपकी डायबिटीज़, आपको ज़्यादा ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर सबसे पहले आपको मेटफॉर्मिन से शुरू करेंगे और उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन टैबलेट देते हैं। तो ये कुछ डॉक्टर का प्रोसीजर होता है ठीक करने का। तो ये था पायो प्लस टू का कंप्लीट रिव्यू। अगर आपको वीडियो ठीक लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।